ये दूरियां एक फिल्म है. माय टैगलाइन इज लव आफ्टर डिवोर्स इज इट अ क्राइम. जो मेट्रो सोसाइटी में हो रहा है कि एक डिवोर्सी को बहुत लुक डाउन देखा जाता है, उनकी फीलिंग्स की कोई मायने नहीं होती है. सो यही मेरा कहना है कि वाई ये दूरियां. दो प्यार करने वालों के बीच में हिंदू मुस्लिम, अमीर गरीब और रिलीजन आते हैं. सो अब सोसाइटी दोनों के बीच में आई है और ये बहुत कॉमन चीज़ है अगर आप देखें तो. लेकिन किसी ने इसको फिल्म में नहीं किया क्योंकि फिल्म एक ऐसा जरिया है जिससे हम चेंज ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं. इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इसकी फिल्म, इसके ऊपर फिल्म बनाओ ताकि किसी एक औरत की भी लाइफ अगर बन जाए, किसी की एक की भी शादी हो जाए तो आई फील आई एम सक्सेसफुल. आई एम वेरी एक्साइटेड और नर्वसनेस तो रहेगी. पहली मूवी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आई एम द मेन प्रोटैगोनिस्ट, तो मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. एक्चुअली कोई भी नई चीज़ होती है थोड़ा लोगों को वक्त लगता है, लेकिन एक बार कनेक्ट हो जाते हैं फिर वो हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाते हैं. जैसा एक तारा सॉन्ग के साथ हुआ कि जब शुरू हुआ था लोगों को अच्छा लगने लगा था, धीरे धीरे उसका हम लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट होगा. उसी तरीके से या मौला सॉन्ग इतना बेहतरीन लिखा है, इतना बेहतरीन कंपोज हुआ है और शायद मैंने ठीक ठाक गा भी लिया है तो लोग पसंद करेंगे डेफिनेटली. इस फिल्म की शुरुआत, जब से शुरुआत हुई है तब से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है. शुरुआत बहुत अच्छी हुई, पहला प्रमोशन था, रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया था कि कुछ चीज़ें हो रही थी तो मैंने स्टोरी लिख दी, स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग किया, डायरेक्शन किया. मैं अपने काम में इतनी मतलब इन्वॉल्व थी, जब मैंने इतने सारे डिपार्टमेंट संभाल लिए तो किसी ने मेरा नाम, मतलब हमारे क्रू में किसी ने नाम लिम्का बुक में भेज दिया कि लेट सी के और कोई लेडी है कि नहीं. एंड आई गॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम लिम्का बुक दैट आई एम द एशियाज फर्स्ट वुमेन हु इज़ हैंडलिंग 9 डिपार्टमेंट एट अ टाइम. और मुझे ऑलरेडी इतनी खुशी हो रही है और प्राउड फील हो रहा है कि मेरी फिल्म की शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई है, पॉजिटिव नोट पे हुई है. सो आई प्रे कि आगे भी जब ऑडियंस देखे तो उसका भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स. बहुत अच्छा, बहुत कोऑपरेटिव है दीपशिखा. उनको स्टोरी बाय हार्ट क्योंकि उन्होंने लिखी है तो उनके दिमाग में हर पिक्चर हर चीज़ बहुत क्लियर थी, तो डायरेक्शन उनका उतना आसान हो गया क्योंकि स्टोरी उन्होंने ही लिखी थी. और उनके साथ काम करना इसलिए भी आसान रहा मेरे लिए क्योंकि शी इज़ वेरी एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स शी इज़ इन इंडस्ट्री. और उनके नाना जी, मामा, मॉम, डैड सब फिल्म बैकग्राउंड से थे, तो शी इज़ वेरी एक्सपीरियंस, वेरी नॉलेजेबल, तो हर चीज़ आसान हो गई. दर्द बहुत है, रूह तलक हैरान है, सिसक रहे हैं जो मेरे अरमान है. जले तो जले मेरा दिल, जले धुआं उठता है. मेरी सांस जली, मेरा दिल जला, पर धुआं कहाँ है. बंजर दिल ये दूर तलक वीरान है. टूट रहे ख्वाबों में अब भी जान है. या मौला मौला मौला, या मौला मौला मौला. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पहली बार कविता जी ने माइनस ट्रैक पे हमारा गाना, मतलब फर्स्ट टाइम ऑडियंस ने सुना है. ऑब्वियसली बहुत खुशी होगी, मेरी फिल्म का गाना कविता जी ने गाया है और फर्स्ट टाइम ऑडियंस के सामने गाया है और इतना अच्छा रिस्पॉन्स. एक होता ना कि स्टिल पीपल डोंट नो दिस सॉन्ग एंड स्टिल दे लाइकिंग इट. थैंक गॉड आई कैन से. सारे तरह के म्यूजिक है इसमें, लव सॉन्ग है, आइटम सॉन्ग है, मस्ती का सॉन्ग है जो मिक्का ने गाया है, सूफी गाना है जो कविता जी और कृष्णा ने एक गाना गाया है सूफी गाना. तो गाने में बोल सकता हूँ कि A+ के गाने हैं सारे.